अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आपको करवाएंगे समंदर की सैर इंडोनेशिया में। सो मुझे बहुत दिल करता समंदर देखने का, तो मी और मेरे कुछ फ्रेंड्स समंदर देखने चले गए। ये हम अभी एंटर हुए थे बिल्कुल सी एरिया में, यह एंट्रेंस आप देख सकते हैं, ये उसकी एंट्रेंस है। और बहुत ज़्यादा दिल करता मुझे समंदर देखने का, मैंने कहा घूम आते हैं, वैसे भी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। फिर हमने खूब इंजॉय किया, खूब घूमे। ये भी आपको एक व्यू दिख रहा है। ये जगह थी जकार्ता अंचोल, अंचोल बीच था, बहुत ही खूबसूरत बीच है। सो हम लोग ने यहाँ बहुत इंजॉय किया। और फिर हम लोग यहाँ बैठ के, यहाँ पे साइड्स पे होटल वगैरह थे, एंड देन हमने यहाँ पे बैठ के इंजॉय किया, बोटिंग देखी। और समंदर देखने का बहुत दिल कर रहा था, बहुत देर तक मैं इसको देखती रही बैठ के, बहुत सुकून आ रहा था। सो लोग बोटिंग कर रहे थे, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं भी बोटिंग करूं। फिर मैंने थोड़ा सोचा की जाए ना की जाए, मैंने कहा चलो थोड़ी देर सोचते इस बारे में, थोड़ा नज़ारा कर ले उसके बाद करते। फिर कुछ खाने पीने का भी बहुत दिल कर रहा था, और यहाँ पे एक ब्लू ओशन ड्रिंक मिलती है, माय फेवरेट, बहुत ही यमी होती है। फिर हम लोगों ने वो पी, ब्लू ओशन ड्रिंक। इसको मिक्स करना पड़ता है जब तक ये बिल्कुल ब्लू ना हो जाए। सो फिर बोटिंग का मैंने फाइनली फैसला कर लिया कि बोटिंग करनी है। फिर हमने क्या किया, बोटिंग स्टार्ट कर ली, बहुत मज़ा आया। और पहली बार सी में बोटिंग की, बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो देन फिर थोड़ा स्टार्ट में डर भी लग रहा था, डर लग भी नहीं रहा था, लेकिन अच्छा लगा बहुत, हमने बोटिंग की। और उसके बाद फिर हमने कहा काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे बहुत प्यारी बिल्डिंग्स थी, हमने अपनी फ़ोटोग्राफी की बिल्डिंग्स की। और ये जो एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई थी, अंधेरा हो गया, ये एंट्रेंस अंधेरे में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, वैसे पूरा चल नहीं रहा था ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये एंट्री इसकी, रात में बहुत प्यारी लग रही थी। भी हमने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हमने कहा कि अब काफ़ी रात हो गई है और हम चलते हैं। फिर हम वापस हॉस्टल की तरफ आ गए। इसी तरह आपको और भी सैर करवाई।